नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत नजर आ रही है, इसको आप दुरुस्त कीजिए। लेकिन एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि बड़ी संख्या में देश भर के तमाम मंदिरों में भक्तों के सुबह से लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। सीधा अब नीतीश झा हमारे सहयोगी का रुख करते हैं, जो मुंबई से हमारे साथ तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, मुंबई में नवरात्र के दूसरे दिन क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, कितना उत्साह भक्तों में दिख रहा है, जरा बताएं। जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें इस वक्त मैं मुंबई के माटुंगा स्थित मारूबाई माता के मंदिर में जो है मौजूद हूँ, और मैं आपको सीधा माता के दर्शन कराऊंगा, अपने दर्शकों को जो है माता के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है माता का विशेष श्रृंगार जो है वो किया गया है, और साथ ही पूरे मंदिर को जो है विशेष रूप से जो है सजाया गया है, अलग अलग तरह की लाइटिंग्स और फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया। और साथ ही मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी जी का पूजा है, और नवरात्रि का विशेष मारूबाई माता के बारे में बताइए और नवरात्रि के बारे में बताइए। मारूबाई गांव देवी मंदिर एक माटुंगा एक प्रसिद्ध फेमस हिंदी मंदिर ठिकाण, हाँ हिंदी मंदिर ठिकाण है, तो उसका भाविक लोग अनेक आता है और उसके अपना परंपरा से पूजा पाठ करता है और नवरात्रि का सब सेवा करते हैं और उनके मनोकामना पूरा होने के लिए प्रे करते हैं, वो मनोकामना पूरा हो जाते हैं। आज दूसरा दिन में ब्रह्मचारिणी जी का पूजा जो है वो किया जा रहा है, ऐसे में ब्रह्मचारिणी जी की विशेषता क्या है? और नौ दिन देवी का पाठ भी होता है, सप्तशती का पाठ होता है, और लोग आता है 8:30 बजे सुबह आरती होते हैं, 4 बजे मंदिर खुलता है, वापस पूरा दिन रात में 10-11 बजे तक चालू रहता है, और भाई लोग आता है और सब अपना अपना ओटी भरता है। मारूबाई माता स्वरूप जो है उनकी विशेषता क्या है, वो उनका कैसे वो मारूबाई स्वरूप का कैसे वो हुआ था? ब्रिटिश टाइम से मारूबाई मंदिर सुना है तो पुराना है, पुराना मंदिर 150 साल का पुराना रिकॉर्ड है। हेलो, पुराना रिकॉर्ड है, यादव इंक्वायरी के लिए www.com मारूबाई ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे पुजारी जी बता रहे हैं 150 साल पुराना मंदिर है चंदन, ये ब्रिटिशर्स के समय से जो है माटुंगा में मंदिर स्थित है, और मारूबाई देवी का स्वरूप जो है वो पूजा जाता है, और साथ ही में जो विशेषता है पुजारी जी की तरफ से बताई गई है इस मंदिर की कि ब्रिटिश काल से ही ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है, और ऐसे में नवरात्रि में मुंबई में तो महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर और अन्य अनेक माटुंगा का जैसा मुंबा देवी और प्रभा देवी तो ऐसा माटुंगा का मारूबाई गांव देवी मंदिर बहुत फेमस है और पहले से ब्रिटिश टाइम से है। तो माता मारूबाई का जो स्वरूप है उनका कैसे वो हुआ था यहाँ पर पृथ्वी पर, किस काम के लिए जो है उनका, उनकी विशेषताएं बताइए मारूबाई माता की। एक्चुअल क्या है, पहला जमाने में जो है डॉक्टर लोग वगैरह ऐसा काम करता, वो देवी का प्रे करके जो देवी का साथ आता था वो देवी के साथ देवी के ऊपर एक अभिषेक करके, नारियल पानी बोलो, दूध का अभिषेक बोलो और पानी बोलो और क्या हनी रोज वाटर है, मतलब अभिषेक करके प्रे करता था और देवी का साथ के लिए प्रे करके वो देवी का साथ भी अच्छा होता था। और एग्जाम्पल है ओल्ड डिवोटी डॉक्टर ऑल्सो डॉक्टर देवराजन, वो भी इंक्वायरी दे सकते। तो मोस्टली जो है लोग स्वास्थ्य के लिए जो है मारूबाई देवी की जो है पूजा करते हैं, ये आप बता रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर मारूबाई का मतलब ये मरने से बचाने वाला, अच्छा मरने से बचाने वाला कोई प्रॉब्लम है या तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला जो होना मन का, इसके लिए मारूबाई के पास प्रे करते हैं। मतलब 3 मंदिर रहे तो गरीब होते सब लोग इधर आते हैं, गवर्नमेंट कर रहे कोई भी आता है और अपना उनका मन कामना पूरा होता है। तो मारूबाई का मतलब बताया यहाँ पर पुजारी जी ने कि जो मरने से बचाती है, जो स्वास्थ्य के लिए जो है विशेष रूप से उनका पूजा किया जाता है, और ऐसे में
जो यहाँ पर भक्त भी हमारे कुछ हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। आज पहला दिन में आप पहुंची है मंदिर में पूजा करने के लिए, क्या कुछ भाव है, क्या कुछ मनोकामना है नवरात्रि की विशेषता? बिल्कुल, तो मुंबई से तमाम तस्वीरें नीतीश हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं जरा एक बार फिर से दिल्ली के कालकाजी मंदिर का रुख करता हूँ और मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी लगातार कालकाजी मंदिर से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। मेहंदी, आज दूसरे दिन चूंकि बड़ी संख्या में कालकाजी मंदिर दिल्ली में स्थित है, जहां लोग जो है वो आसपास के कई राज्यों से पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए, ऐसे में व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं किस तरीके से नजर आती है मंदिर प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर व्यवस्थाएं हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग मंदिर परिसर में की गई है ताकि जो लोग हैं उनको सही तरीके से बांटा जा सके और एक मूवमेंट जो है वो लोगों की साफ तौर पर आराम से हो सके। और वहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम थोड़ा पास से भी नज़दीक से भी दिखाते हैं कि यहाँ पर रेलिंग्स बनाई गई हैं और जो लाइन्स हैं, लेन्स हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें बांटा गया है ताकि जो भक्तों का जो मूवमेंट है जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा रास्ता उन्हें पैदल चल के अंदर मंदिर तक पहुँचना पड़ता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से बांटा गया है। लेकिन अगर भीड़ की बात की जाए तो ज्यादा भीड़ यहाँ पर कालकाजी मंदिर में दूसरे दिन पर नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 7 बजे का समय हो चुका है, 7:30 होने वाले हैं, तो अभी भी मंदिर परिसर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाली नजर आ रहा है। हालांकि पहले जो दिनों में कुछ ना कुछ भीड़ जो है वो ज्यादा दिखाई देती थी, तो फिलहाल भीड़ का जो नंबर है, लोगों का जो नंबर है वो कम है। लेकिन एक बात साफ है कि कालकाजी मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है, और सिर्फ दिल्ली के आसपास से ही नहीं, एनसीआर से ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग। कहाँ से आई? तो कलकत्ता से आए हम। तो कितना उत्साह है, आज दूसरा दिन है नवरात्रि, जैसा कल है ऐसा ही आज है। हाँ, तो अच्छे से व्यवस्था है यहाँ पे, सब व्यवस्था खूब अच्छी तरह दर्शन हो गए हमारे। हाँ, तो व्यवस्था देखिए अच्छी है, लोग कह रहे हैं। आप भी अभी मंदिर में दर्शन करके आई है, किस तरीके का उत्साह है? आपने लाल भी पहना है, दुर्गा माँ का फेवरेट रंग भी माना जाता है। मैं डेली आ रही हूँ और ऑब्वियसली उत्साह तो है ही, नवरात्रों के दिनों में तो माता साक्षात हर जगह विराजमान है, हर जगह। वैसे तो वो हमारे घरों में भी दर्शन दे ही रही है, घूम रही है, बट मंदिर की खुशी अलग होती है। लेकिन व्यवस्था कैसी है, क्या कोई दिक्कत का सामना करना? कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, प्रॉपर तरीके से सब कुछ अरेंजमेंट हो रखा है। तो देखिए व्यवस्था जो है, लोगों का भी कहना है कि अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पर जो सेवादार है वो भी 100 से 150 के नंबर पर यहाँ पर लगाए गए हैं। हर एक गेट पे जो मंदिर के ट्रस्ट के जो सेवादार है वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ ही पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि हर एक गेट के बाहर पुलिस वाले भी मौजूद है ताकि कोई भगदड़ जैसी जो आशंकाएं हैं, जो सिचुएशंस हैं, हालात हैं, वो यहाँ कालकाजी मंदिर के परिसर में या गर्भगृह के पास में ना बने। तो व्यवस्थाओं को लेकर जो चीजें हैं वो लोगों से भी बातचीत करते हैं तो ज्यादा पता लगती है, क्योंकि दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं तो और लोगों की टिप्पणी लेते हैं यहाँ पर। आपने दर्शन किए माता? हाँ, बहुत अच्छे लगे। दर्शन आपने कर लिए, व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगी? आराम से दर्शन हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, माँ की कृपा है, माँ की कृपा है। आप क्या यहाँ पे मनोकामनाएं लेकर आई हैं? मैं यहाँ पे हर बार आती हूँ, यहाँ पे मैं सेवादार हूँ यहाँ की, मैं डेली आती हूँ मंदिर कंटिन्यू, और मैं माई की तह दिल से सेवा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ माई रानी अपना आशीर्वाद बनाते रहे, और हमेशा मैं आती रहूँ और हमेशा मैं सेवा में लगी रहूँ। आप सेवादार भी है, तो यहाँ पर कितने अमूमन सेवादार जो है वो काम कर रहे हैं, कितने लगे हुए? यहाँ काफी सारे सेवादार है, ऐसी बात नहीं है, अनगिनत सेवादार है, और यहाँ पे लोग भी बहुत सारे आते हैं, और ये जाना माना मंदिर है माता का, और यहाँ बड़े अच्छे से दर्शन होते हैं। जी, तो देखिए सेवादार जो है वो बहुत भारी नंबर में यहाँ लगे हुए हैं, और लगातार भक्तों की मदद करने के लिए भी, चाहे वो बुजुर्ग हो उनके लिए यहाँ पर तैयार है, और गर्भगृह के से जो बाहर भी लोग आ रहे हैं उसके बाहर भी सेवादारों की जो मौजूदगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है ताकि एक जो मूवमेंट है वो बहुत ही आराम से हो सके जितने भी भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि कालकाजी मंदिर की जो बात है, जो उत्साह है वो देखने को बनता है, क्योंकि बहुत प्राचीन ये मंदिर माना जाता है और दुर्गा माता का यहाँ पर प्रभाव जो है उसे भी बहुत माना जाता है। इसलिए लोग सिर्फ दिल्ली एनसीआर से नहीं, मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, हरियाणा से, यूपी से, या फिर पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ पर अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए, दुर्गा माँ की दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और लोगों से बातचीत करते हैं चंदन की, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके का उत्साह दूसरे दिन है, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी जी की जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है, बच्चों को लेकर भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। सर, आपके साथ एक छोटा बच्चा भी है, आपने दर्शन कर लिए? अब करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास दिल्ली पुलिस के नंबर में व्यवस्था है।
अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, आप कहेंगे आपने दर्शन किए? हाँ जी, खूब बढ़िया दर्शन किए। कितना उत्साह है, दूसरा दिन है आज नवरात्र? खूब अच्छा उत्साह है, हर बार आते हैं। माता रानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खूब बढ़िया भवन में दर्शन होते हैं, माँ की कृपा है। माँ की कृपा है। और देखिए, दर्शन को लेकर सभी का एक मत है, सभी कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे से व्यवस्था की जाती है, अच्छे से यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। और आज के दूसरे दिन के महत्व की अगर एक बार फिर से बात की जाए चंदन, तो ब्रह्मचारिणी जी की आज पूजा की जा रही है, जिन्हें तप की देवी माना जाता है, क्योंकि ऐसा लिखा भी हुआ है, ऐसा माना भी जाता है कि माँ पार्वती ने बहुत तप करके भगवान शिव से विवाह किया था और उन्हें पति के रूप में पाया था। तो इसी तरीके से ब्रह्मचारिणी जो देवी है, उनकी उनका जो स्वरूप है वो भी सामने आया, और उसके बाद से ही उनकी पूजा जो है वो ब्रह्म तप और धैर्य के लिए, इन सभी चीजों के लिए की जाती है। एक बार फिर से लोगों के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। आपने दर्शन किए माता? हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया। कितना उत्साह है, क्या मनोकामनाएं लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह है, एकदम अच्छा लगता है और मनोकामना भी पूरी होती है। कहाँ से आई है आप? बल्लभगढ़ से। हाँ जी, देखिए लगातार लोग दूर दूर से भी यहाँ पर पहुँचते हैं और भी लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या मान्यताएं हैं और क्या यहाँ पर माहौल रहता है नवरात्रि के दिन। आप क्या कहेंगी माहौल को लेकर, नवरात्रि में कैसा माहौल रहता है कालका मंदिर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही पवित्र स्थान है ये। यहाँ आके हम माँ की माँ हर की इच्छा पूरी करती है और सबको अपना आशीर्वाद देती है। आनंदमय माहौल कालका जी मंदिर में रहता है, ऐसा भक्तों का कहना है। और यहाँ पर जो आरती के बाद चंदन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सब आरती लेने के लिए यहाँ पर तत्पर। एक और सवाल है मेहंदी कि कालका जी मंदिर में प्रसिद्ध जागरण भी जो है वो नवरात्र के महीने में करवाया जाता है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि हर बार हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग कालका जी मंदिर के जागरण में हिस्सा लेने के लिए पहुँचते हैं, ऐसे में इस बार के जागरण का कार्यक्रम क्या है और क्या क्या कार्यक्रम कालका जी मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से इस बार नवरात्र में विशेष तौर पर करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम ये जानकारी लेते हैं, जो यहाँ पर सेवादार मौजूद है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि यहाँ पर जागरण के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और कब ये जागरण होगा। आप यहाँ पर सेवादार हैं, तो अगर यहाँ के जागरण की बात की जाए तो उसकी क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि हर बार नवरात्रि में जागरण की एक यहाँ पर वो की जाती है तैयारी? हाँ जी हाँ जी, यहाँ हर बार जागरण होता है, यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही जागरण होता है। यहाँ करने वाले जागरण भी आते हैं, बहुत अच्छे से अपना योगदान देते हैं, सब लोग देते हैं, सेवादार पंडित जी सब लोग, कुछ लोग भी देते हैं, वैसे भी बाहर से सेवादार भी होते हैं, सब अपने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं। जी जी, और यहाँ पर जो पंडित मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जागरण को लेकर, जो आपने सवाल किया उसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। पंडित जी, यहाँ कालका जी मंदिर में नवरात्र में जागरण की तैयारियाँ की जाती हैं, तो इस बार जागरण को लेकर क्या कुछ तैयारी? नवरात्रों में जागरण नहीं होता है, ये होता है अष्टमी को कालका जी मंदिर में बाबा पर जागरण होता है। तो कितना यहाँ पर भीड़ उमड़ती है जागरण में? बहुत ज्यादा भीड़। अभी की व्यवस्था कैसी है, आप तो सुबह से यहाँ पर मौजूद? बढ़िया है व्यवस्था, और क्या। ठीक है, मैं एक बार जरा मुंबई का रुख करता हूँ मेहंदी। मुंबई से नीतीश जो हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरों के साथ बने हुए हैं। नीतीश, आपके आसपास अगर भक्त हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, मुंबई में कितना उत्साह है आज नवरात्र के दूसरे दिन? जी बिल्कुल चंदन, मुंबई में काफी उत्साह है। मैं मारूभाई मंदिर में हूँ, मैं मारूभाई मंदिर की आपकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस वक्त। यहाँ की जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ तमाम देवों की जो है तस्वीर मौजूद है, माफ कीजिएगा, मूर्तियां मौजूद है, और अलग अलग मूर्तियों की जो अलग अलग विशेषता है यहाँ पर। और ठीक बीच में अगर आप देखेंगे तो गौ माता है, गौ माता के ऊपर जो है तमाम वो देवी देवता जो है उनकी जो है वो मूर्तियां बनी हुई है। क्या मैं आपसे जानना? बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका मुंबई से तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ मेहंदी गर्ग आपका